हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल वैष्णव अधिकारी ऑलवेज एजुकेशनल। तो आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत होता है उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं बताने वाला हूं कि मार्क्स वर्सेस रैंक वर्सेस रिकमेंडेड कॉलेज और रिकमेंडेड एडवाइस, अगर आपको ये वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इसका लिंक मिल जाएगा। रिसेंटली मैं डाला था, उससे बहुत सारा हेल्प मिल रहा है स्टूडेंट से, तो उनको आप देख सकते हो। और आपके जो कैलकुलेट किए हो मार्क्स, उस मार्क्स के हिसाब से आपको कितना रैंक मिल सकता है वो अगर आपको देखना है तो ज़रूर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक करना, ठीक है? और पिन कमेंट में भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये जो वीडियो है ये स्पेशली वीडियो है कि आपका जो काउंसलिंग है वो जो होने वाला है, आपका मतलब आपका रिजल्ट हो जाएगा, निकल जाएगा, उसके बाद आपको काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर अंदर। तो उस काउंसलिंग के अंदर आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ज़रूरत होता है जो आपको रखना चाहिए, मतलब अभी से वो आपको उसका जुगाड़ करके रखना चाहिए, उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स है उसको उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अभी रेडी करके रखना चाहिए। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है? मेनली ये जो डॉक्यूमेंट का जो PDF है ये 2021 का है, लेकिन 2023 में सेम ही रहने वाला है, ये डॉक्यूमेंट चेंज नहीं होता, ठीक है? ये डॉक्यूमेंट्स जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ये सारा लगता ही है, तो आप डेफिनेटली इसको जुगाड़ करके रखो। ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहेगा, लेकिन किसी किसी केस में, किसी किसी स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ना रहें, तो उसको रेडी करना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये वीडियो दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स नीड टू प्रोवाइड सॉरी प्रोड्यूस और अपलोड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द नेम और एट द टाइम ऑफ काउंसिलिंग एंड द प्रोविजनल एडमिशन विच इज़ कम्प्लीटेड विद इन अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत छोटा सा टाइम मिलता है आपको, बहुत थोड़ा सा टाइम मिलता है। हिंस कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी बिफोर हैंड, मतलब पहले से रेडी करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स बोला जा रहा है। पहला नंबर पे है क्लास 10th एडमिट कार्ड, उसके बाद है बर्थ सर्टिफिकेट फॉर वेरी मतलब क्लास 10th का एडमिट कार्ड अगर नहीं है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हो। बर्थ सर्टिफिकेट क्लास 10th का एडमिट कार्ड के साथ मतलब चेंज करके आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए क्लास 10th का एडमिट कार्ड, तो इसलिए उसको स्लैश दे के लिखा गया है। कोई भी एक है तो आपका चलेगा। क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो 3.4, 3.4.1 और 3.4.2 ऑफ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, मतलब आपका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर आपका इस पर्टिकुलर नंबर पे कुछ डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है। उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाना होता है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दूंगा, एक वीडियो में बनाया था तो उसको आप देख सकते हो। तो उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को आपको बनाना होगा। उसके बाद आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपका कुछ एप्लीकेबल है तो आप पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कुछ फॉर्मेट लिखा हुआ है, SC ST OBC OBCB कैंडिडेट्स का जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपके पास रेडी होना चाहिए। फॉर्मेट का जो भी मेन कंटेंट है उसको सही रखना चाहिए, डिटो कॉपी रखना मतलब रखना होगा, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर SC ST OBC OBCB जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका कंटेंट सेम होना चाहिए जैसे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर 5.2 एंड 5.3 में बताया गया है, ठीक है? उसके बाद PWD सर्टिफिकेट, अगर PWD कैंडिडेट्स है तो PWD सर्टिफिकेट एज़ पर 5.4 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, हो सकता है ये नंबर अलग हो सकता है 5.4 जो भी मैं बता रहा हूँ, तो आप जो करंट इस साल का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उसका वो जो वो उसको डाउनलोड करो, WBJ पोर्टल पे आपको मिल जाएगा, उसमें जो आपका यूज़ हो रहा है पर्टिकुलर कंटेंट और पर्टिकुलर जो भी फॉर्मेट, तो उसको देख के आप डेफिनेटली चेक करना, ठीक है? और जो इनकम सर्टिफिकेट है मतलब मेनली आपका क्या लगेगा, क्या अभी से रेडी करना चाहिए, एडमिट कार्ड पहली बात तो है, क्लास 10th का एडमिट कार्ड, क्लास 12th का मार्कशीट, क्लास 10th का मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और कोई भी अगर आपका कैटेगरी लगता है तो कैटेगरी के सर्टिफिकेट लगेगा, यहाँ पे EWS नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा EWS सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ठीक है? आपको एज ए जनरल ट्रीट किया जाएगा जनरल कैटेगरी के अंदर। उसके बाद अगर PWD हो आप तो PWD सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट का भी फॉर्मेट दिया गया है, तो ये सब रेडी करके रखना। और
इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ TFW बंदे के लिए ही लगेगा। TFW क्या है, ट्यूशन फी वेबर, वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और पिन कमेंट पे मिल जाएगा, तो उसको चेक करना, ठीक है। और ये सब जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही छोटे छोटे अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, काउंसलिंग रिलेटेड अपडेट्स, बहुत सारे कंटेंट रिलेटेड वीडियोस, स्कॉलरशिप का अपडेट्स, साथ ही साथ बहुत सारा अलग अलग कॉलेज रिव्यूज़, ये सब आपको इस चैनल पे मिलता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ऑन करके रखना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियोस अच्छा लगे तो लाइक करना और आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। थैंक यू और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।